300 বছৰ পুৰণি মসজিদত পৰিল বুলডোজাৰৰ কূপ। প্ৰশাসনৰ হাতুৰাৰ কূপত ধূলিস্যাত হ'ল মসজিদ। এই দৃশ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুজাফৰনগৰৰ। পানীপথৰ খাতিমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত আছে এই পুৰণি মসজিদটো। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বহল করিবর বাবে প্রশাসনে আরম্ভ করেছে কাম, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর পুনঃ নির্মাণ কার্যত বাধা হয়ে ঠিয় দিছে এই পুরনি মসজিদটি। কেন সরকারি ভূমিত থাকার অভিযোগ তুলি প্রশাসনের চলিল বুলডোজার। উত্তর প্রদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তত এতিয়া খর্গহস্ত হয়ে পড়েছে মুসলমান সমাজ। ये 709 एडी जो पानीपत खटीमा मार्ग के नाम से जाना जा रहा है, यहाँ हमारी तहसील के तीन गांव हैं। दो गांव में हम लोगों ने पूर्ण रूपेण ये हटवा दिया। ये शेर नगर ऐसा गांव था जिसमें अतिक्रमण अभी भी है। तो ये सरकारी संपत्ति जो खसरा नंबर 577 है, 1020 वर्ग मीटर, इसमें पुराना धार्मिक स्थल मस्जिद के रूप में विद्यमान था। इनको पहले भी दो बार तीन बार आकर मैं स्वयं कह के गया था कि इसकी व्यवस्था हटाने की कर लीजिए, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। लिहाजा पर्याप्त पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ और इन लोगों का भी सहयोग है, सबके सहयोग से इसको आज हटवाया जा रहा है। जी नहीं, सबका सहयोग है, सभी लोगों ने सहयोग किया है, क्योंकि यह विकास के लिए हो रहा है। यह जो है जो NH चौड़ीकरण का हो रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण, इसके लिए हो रहा है। सभी का सहयोग है, किसी का असहयोग नहीं है। सर, ये इसमें एक जगह 1765 निर्माण का लिखा हुआ था। अब हमें तो ये बहुत पुराना, जैसे कि आप नेपथ्य में देख रहे होंगे पृष्ठभूमि, इसकी वास्तव में बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। ये 300 साल के लगभग बताया जा रहा है कि ये इस मार्ग पर धार्मिक स्ट्रक्चर दो और बच रहे हैं, उसको भी जल्दी ही हटाया जाएंगे। ये मैं पहले बता दूं, हाईवे निर्माण में जो अतिक्रमण है वो तो हटेंगे ही, लेकिन ये अधिग्रहण वाली भूमि पर जो निर्माण है, जो इनको पैसे दिए जा रहे हैं, देने की प्रक्रिया है, इनको हटाना है। वो आपको जैसे आपने देखा होगा वहाँ ओवर ब्रिज के नीचे से ही मार्केट है, मार्केट भी अवैध है, तो वहाँ से लेकर के हम अपनी सीमा तक निराना तक हम पूरा साफ करा देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि सबके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से ये पूरा काम हम इस महीने में पूरा करवा देंगे। जी हाँ जी हाँ, ये ग्राम समाज सरकारी भूमि पर ही निर्मित था और इनको बार बार कहा भी जा रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश है कि किसी प्रकार का अतिक्रमण सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में न रहे। तो ये हम लोगों को सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है कहीं अतिक्रमण नहीं है, तो इसी क्रम में ये हटवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8।